एमपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। नमस्कार, एमपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजहार हसन खान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानों को लेकर सियासत गरमा गई है। इस बार कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी से जुड़े मामले को उठाया है। दरअसल 14 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि जो किसान कर्ज माफी के दौरान ओवरड्यू हुए हैं, उनका ब्याज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार चुकाएगी। इस मांग को कहे हुए एक महीने से ज्यादा होने के बाद भी जब इस पर कोई अमल नहीं हुआ, तो अब कांग्रेस ने इस मामले को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा अवनीश भार्गव ने, सुनिए। मध्य प्रदेश की सरकार जो अपने आप को किसान हितैषी और किसान समर्थक सरकार बनाती थी, उसमें ऐसे निर्णयों पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ जिनसे किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है। वो उसकी फसल को बेचने के बाद भी आज भी हैरान परेशान है, जमादारों से सूदखोरों से पैसे लेकर अपना काम चला रहा है। 4 अप्रैल से गेहूँ की खरीदी शुरू हुई है, मध्य प्रदेश में 28 मार्च से हुई, आज दिनांक तक भी 1 रुपये किसानों की उपज का जो गेहूँ उसने बेचा है सरकार ने भुगतान नहीं किया है। उसके बावजूद उसकी जो सहकारी समिति की ऋण की तारीख थी 15 अप्रैल वो भी खत्म हो चुकी है, किसान डिफाल्टर भी हो गया है। तो किसान डिफाल्टर है, किसान ने फसल बेच दी है और सरकार उनका पैसा दे रही है। एक और मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 14 मार्च को घोषणा की थी कि सहकारी समितियों से जो किसान डिफाल्टर हो गए उनका ब्याज का पैसा मध्य प्रदेश की सरकार देगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी तक इसमें कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है और किसान जब फसल अपना सहकारी समिति में लोन देने जाते हैं तो उनसे ब्याज सहित पूरा पैसा वसूला जा रहा है। इन निर्णयों पर तत्काल कार्रवाई हो, किसानों को जो हित में जो निर्णय होना चाहिए उन पर तत्काल सरकार ध्यान दे। सरकार राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, किसानों की समस्याओं पर उनका निराकरण करने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। दरअसल 2018 में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने कर्ज माफी की शुरुआत की थी। कांग्रेस का दावा है कि उसने कर्ज माफी का एक फेज पूरा कर दिया था और जब वो दूसरा फेज पूरा करने वाली थी उसी दौरान उसकी सरकार को गिरा दिया गया। हालांकि बीजेपी इस बात से साफ इनकार करती है। बीजेपी का मानना है कि किसान कर्ज माफी हुई ही नहीं है और कर्ज माफी के चक्कर में किसान ओवरड्यू हो गए। यही वजह है कि 14 मार्च 2022 को विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी के दौरान जितने किसान ओवरड्यू हो गए हैं उनका ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार चुकाएगी। क्या कहा सीएम शिवराज ने, सुनिए। किसानों ने 2 लाख रुपया के माफी के चक्कर में पैसा नहीं भरा, डिफाल्टर हो गए और डिफाल्टर हो गए तो ब्याज का चक्कर चालू हो गया और वो ब्याज की चक्री ऐसी चली कि कई अब बुरी तरह से परेशान हैं। और इसलिए आज इस पवित्र सदन में ये फैसला कर रहा हूं आपके सामने कि जो डिफाल्टर हो गए इस चक्कर में क्या हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, उनके ऊपर कर्ज के ब्याज का जो बोझ है वो बोझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारने का काम करेगी। मानी मध्य प्रदेश में किसान हमेशा से सियासत की वजह रहा है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। दोनों ही पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं तो किसानों के भलाई के दावे करती हैं, उनकी भलाई की योजनाएं बनाती हैं, लेकिन जब सत्ता में आती हैं तो सब कुछ भुला दिया जाता है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि 2023 के चुनाव से पहले कौन सी पार्टी किसानों के लिए कितने वादे करती है, कितनी योजनाएं उनके लिए बनाने की बात करती है और फिर सरकार बनने के बाद उस पर कितना अमल करती है।